डॉक्टर वीरेंद्र आपका स्वागत करता हूँ वीरेंद्र आयुर्वेदा चैनल पर। मैं आपको आज नपुंसकता के बारे में यानी मानसिक नपुंसकता के बारे में परिचय और चिकित्सा में बतला रहा हूँ। कोई भी व्यवहारिक प्रक्रिया शरीर अथवा मन के प्रभाव से होता है। कारण ज़्यादा भावुक होना, यानी ज़्यादा अगर भावुक हो गए तो आदमी नरम हो जाता है। और मानसिक आघात, किसी तरह का दुर्घटना या चोट या माइंड में कोई सा बात को अड़ जाना, मानसिक आघात, क्रोध, चिंता, शोक, भय, लज्जा के मतलब शर्माना, शर्म से भी आदमी किसी को कुछ जवाब नहीं दे पाता है, लज्जा के चलते हट जाता है। और स्त्री से वैमनस, ये इतने कारण होते हैं आपको मानसिक नपुंसकता का। तो मैं आपको जब स्त्री के साथ मैथुन करने की इच्छा रखने वाला पुरुष जब स्त्री के साथ रमन करता है तो स्त्री जो है द्वेषपूर्ण व्यवहार करता है या तिरस्कार करता है, तो पुरुष के अंदर जो मैथुन करने की जो मन में विचार किया है वह वेग जो है जो अंदर से जो मैथुन का वेग जो उत्पन्न हुआ तो वह नष्ट हो जाता है स्त्री के व्यवहार से। मैथुन के समय जिस समय पुरुष अगर मैथुन कर रहा है, मैथुन के समय कर्कश व्यवहार अगर स्त्री कर रहा है या स्वभाव उसका कर्कश है या आवाज़ जो है मधुर नहीं है, उसके व्यवहार से पुरुष जो है वो संभोग नहीं कर पाता है और वहाँ पर नपुंसकता का आप प्रकार कह सकते हैं। स्त्री के द्वेष से उसका व्यवहार से पुरुष में जो उत्तेजना लिंग में हुआ वह जो है शिथिल पड़ जाता है। स्त्री का व्यवहार से अगर पुरुष में उसके संभोग करने का एक उत्तेजना उत्पन्न हुआ वह लिंग जो है डाउन हो जाता है, शिथिल पड़ जाता है। और भय से, चिंता से, डर से, क्रोध से, ये सब कारण से जो रोगी पुरुष ग्रसित है वह कभी भी विचार नहीं करता है संभोग के बारे में या काम वासना के बारे में कभी नहीं सोचता है। जिस पुरुष को स्त्री के प्रति घृणा हो गया है तो उसके अंदर काम वासना का उत्पत्ति कभी नहीं होता है। और आपको मैं चिकित्सा बतला रहा हूँ और चिकित्सा जो है मूसली पात 12 ग्राम लेकर प्रतिदिन दूध के साथ सेवन करने से नपुंसकता जो है दूर हो जाता है। और ये वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।